हेलो दोस्तों, हाउ यू? आप लोग कैसे हैं? दिवाली का टाइम आ गया है और ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका क्रेज़ बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में इंडिया में ऑनलाइन के बड़े बड़े जो ई कॉमर्स साइट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी हो रही है। तो ऐसे में फ्रॉड होने का भी खतरा बना रहता है। तो इसी से रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में, डिस्काउंट और ऑफर के चक्कर में कहीं आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पूरी जानकारी मिलेगी आपको और आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो मैं हूं नीरज शर्मा एंड यू आर वॉचिंग सीख और समझो यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, पूरे इंडिया में ई कॉमर्स साइट पे बहुत ज़्यादा खरीदी होती है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम मॉल है और ऐसे भी बहुत सारे और भी बहुत सारे साइट्स हैं, तो जिसमें बहुत ज़्यादा खरीदी होती है। तो ऐसे में मैं छत्तीसगढ़ के डाटा को लेकर आपको बताने वाला हूँ। 25 सितंबर से लेकर अभी तक लगभग 20 दिनों में 25 लाख लोग जो है वो ई कॉमर्स साइट पर जाकर सर्च कर चुके हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानने की कोशिश की गई है, खरीदे हैं। लगभग 55 लाख इंटरनेट यूज़र है छत्तीसगढ़ में, जिसमें 25 लाख जो है जाके सर्च कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो बिलासपुर नंबर वन पर आता है और दुर्ग भिलाई सेकेंड नंबर पर आता है। अगर रायपुर की बात करें तो अभी भी यहाँ के लोग ऑफलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं, ऑनलाइन पर नहीं। तो यहाँ की जो पुलिस है वो अभी से अवेयरनेस फैलाना चालू कर दी कि फ्रॉड ना हो जाए। अब ये फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड जो ये होता है कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या फिर और भी साइट्स है, उससे मिलता जुलता साइट बना लेते हैं और अगर आप क्लिक करके वहाँ पे बैंक अकाउंट डालते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं आता लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपके बैंक डिटेल्स चले जाएंगे। तो किस टाइप से होता है, जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट का स्पेलिंग अगर आप सही से नहीं देखते, डबल के लिखा हुआ है या फिर के की जगह पर सी लिखा हो सकता है, तो फ्लिपकार्ट वो स्पेलिंग्स गलत होगी, वो स्पेलिंग अलग हो जाता है। अमेजोन पे जेड की जगह अगर जे लिख दिया है तो अमेजोन ऐसा मिलता जुलता साइट बना लेते हैं और आप झांसे में आकर उस साइट में चले जाते हैं और आप अपना बैंक अकाउंट गलती से दे डालते हैं और फ्रॉड हो जाता है। ऐसे लगभग 200 साइट्स के बारे में पता लगाया गया है कि जो फ्रॉड हैं और आपके साथ वो फ्रॉड कर सकते हैं। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, 2017 में छत्तीसगढ़ में 106 केसेस आए थे, लगभग से 38 लाख लगभग फ्रॉड हुए थे। अगर 2018 की बात करें तो 37 केसेस ऐसे आए थे, लगभग 16 लाख का फ्रॉड हुआ था। तो ऐसे में 2019 में पहले से पुलिस अवेयरनेस फैलाने के लिए तैयार हो गई है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर, वीडियो बनाकर, वीडियो के थ्रू जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स वगैरह को अवेयर किया जा रहा है ताकि वो भी घर में जाके भी बताएं कि क्या क्या चीज़ें करें और क्या क्या चीज़ें ना करें। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लास्ट में बताऊँगा कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग तो करें, कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप शॉपिंग में फ्रॉड होने से बच सकते हैं। हमेशा साइट को अच्छे से चेक करें, HTTPS सिक्योर है कि नहीं। अगर वो ओरिजिनल साइट है तो उसमें लास्ट में जो आप ऊपर में देखते हैं जो URL जहाँ पे लिखा रहता है उस बार पे HTTPS सिक्योर रहता है, वो ग्रीन कलर का लिखा होता है, तो HTTPS लिखा हुआ है तो सिक्योर होगा। एक तरह से और फ्रॉड हो जाता है कि लोग जो हैं उस साइट के नाम से मिलता जुलता साइट के नाम से कस्टमर केयर का नंबर डाले होते हैं जिसमें आपसे बैंक डिटेल पूछ लिया जाता है किसी भी तरीके से। तो आप कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं गूगल में तो वो भी सोच समझ के उसको डायल करें। तभी भी गूगल से आप सर्च कर रहे हो, कंपनी के होम पेज, ऑफिशियल होम पेज में ही जाकर वहाँ से कस्टमर केयर का नंबर डायल करें, ना कि कहीं से भी आप डायल करें। ये दूसरा आपको ख्याल रखना है। तीसरा, किसी भी सूरत में कभी भी किसी को भी बैंक अकाउंट का डिटेल ना दें, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, कभी ना दें। जो ओरिजिनल साइट होता है उसमें रिफंड की पॉलिसी, प्राइवेट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें दी होती हैं, तो उसको एक बार चेक कर लें कि उसमें दिया हुआ है कि नहीं, पॉलिसीज़ वगैरह हैं कि नहीं, प्राइवेट पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर लें तभी आप उस साइट पर खरीदें या फिर बैंक डिटेल दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस भी बैंक अकाउंट से खरीदी करते हैं उस खाते में आपको कम पैसे रखने चाहिए, जैसे कि 2000, 4000 या 10000, 20000, उससे ज़्यादा ना रखें। अगर फ्रॉड होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5-6 हज़ार या 10 हज़ार ही फ्रॉड होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप लाखों रुपए रखकर उस अकाउंट से आप बैंक डिटेल देते हैं या खरीदी करते हैं तो खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो
इस वीडियो से हम चाहते हैं कि आप लोगों में अवेयरनेस फैले, आप जब भी साइट से खरीद रहे हैं, किसी भी साइट में जा रहे हैं, क्योंकि चोर जो है वो भी एडवांस होते जा रहे हैं, नए नए तरीके अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरीका फेल होता है जैसे ATM वाले में फ्रॉड हो रहा था, साथ ही पेटीएम वगैरह में फ्रॉड होता है, पेटीएम के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, पेटीएम गूगल पे वगैरह के लिए, तो सब जगह नए नए तरीके फ्रॉड के आते जा रहे हैं, आपको अवेयर रहने की जरूरत है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट पे विश्वास रखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे विश्वास रखते थे, तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे खुशी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और नया हो तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड के शिकार तो नहीं हुए, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो कि नहीं करते हो, और करते हो तो क्या करते हो। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।